केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से अनिल माधव दवे, फग्गन से कुलस्ते और एमजे अकबर को शामिल करने पर एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिला है। केंद्र के परिदृश्य में प्रदेश से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद्र गहलोत, नजमा हेपतुल्ला, प्रकाश जावड़ेकर सहित तीन और सांसद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की और सौभाग्य की बात है। अभी जो मोदी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसमें देश में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। आज हम केंद्र का परिदृश्य देखें तो लोकसभा की स्पीकर श्रद्धेय सुमित्रा महाजन जी हमारे मध्य प्रदेश की है। मंदिर मंडल पर अपन नजर डालें तो श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री थावरचंद गहलोत जी, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला जी, ये हमारे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी राज्यसभा में या लोकसभा में जो मध्य प्रदेश से गए हैं वो अभी तक रहे हैं। और इसमें और आज एक इजाफा होते हुए पुनः मध्य प्रदेश के तीन मंत्रियों की भागीदारी केंद्रीय नेतृत्व में हुई है, माननीय अनिल माधव जी दवे, माननीय एमजे अकबर और माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और सभी मध्य प्रदेश से मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंडल से 75 वर्ष से ज्यादा के मंत्रियों को बाहर नहीं करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र का विषय है। साथ ही नजमा हेपतुल्ला और कलराज मिश्रा की उम्र 75 पार को लेकर उन्होंने कहा कि यह अखबारों की मिसप्रिंट है, उन दोनों की उम्र 75 वर्ष से कम है। कुछ निर्णय जो केंद्र ने लिए हैं, मुझे अभी भी मैं इस धारणा पर टिका हुआ हूं कि नजमा जी और कलराज जी 75 से नीचे हैं। और दूसरा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मोटे तौर पर जो निर्णय किया है उसी दिशा में केंद्रीय नेतृत्व अपना निर्णय करता है। कुछ हो सकता है सामयिक कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उसको पेंडिंग डाला हो। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में 75 वर्ष से ज्यादा की गाइडलाइन के तहत बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को मंत्री पद से हटा दिया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान ये गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई है, जिससे भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।